देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन व्यूअर्स। बीते 8 दिनों से कर्नाटक में मिसगाइडेड लिबरल्स का एक नाटक चल रहा है और वो कॉलेज के बाहर नुक्कड़ नाटक कर और कह रहे हैं कि स्टेट उनके अगेंस्ट, जिन्हें वो शिक्षा की मांग नहीं कर रहे, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मांग, वो बेहतर क्लासरूम भी नहीं मांग, स्मार्ट क्लासेस भी नहीं मांग, वो कह रहे हैं कि उनको बुर्का पहनकर पढ़ाई करें, तो इसके अगेंस्ट में कुछ और लोग भी आए, वो कह रहे हैं कि उनको भगवा गमछा डालकर पढ़ाई करें, कुछ और आए हैं वो कह रहे हैं कि नीला गमछा डालकर पढ़ाई करें, और हाईली कंफ्यूज्ड पत्रकार जो कि पता नहीं कौन सा जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कि इसको रिपोर्ट कैसे, इसमें पत्रकारिता कैसे करें, वो एक डिलेमा में है कि खबर को किस तरह से दिखाएं, वो एक डायलेमा में है कि किस तरह से इसको रिपोर्ट करें, जहां लड़कियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बुर्का पहनकर कॉलेज के बाहर केओस फैला रहा है, कि कैसे अचानक से लड़कियों का एक झुंड बुर्का पहनना चाहता है और कैसे उस बुर्के के खिलाफ एक और झुंड भगवा गमछा पहनना चाहता है और एक अलग ही झुंड है वो नीला गमछा पहनना चाहता है। और आज इन पत्रकारों के लिए आई फील सॉरी फॉर दीज पीपल, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जब बात सही या गलत की हो, जब बात ब्लैक और व्हाइट की हो, देश की इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता को, तब सोचना क्या है, व्हाट टू थिंक। जितने भी लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, ये पढ़ाई तो नहीं करना चाहते, इन सभी को क्लियर, इन सभी को रेस्टिकेट किया जाए, दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ कॉलेज कैंपसेस, सभी को निकालकर बाहर कर, लेट देम वेयर बुर्का, ऑरेंज और ब्लू शॉल एट देयर होम्स। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कक्षाएं कुछ ऐसी दिखेंगी कुछ दिनों के बाद, ग्राफिक्स चलाई गई जहां क्लासरूम कम हो और कोई धार्मिक आयोजन ज्यादा लगेगा, देखिए इसको, और सब अपने अपने धर्म के प्रतिनिधि बनकर मिलेंगे, छात्र नहीं होंगे, कोई छात्र नहीं देखने को मिलेगा, कोई स्टूडेंट नहीं देखने को मिलेगा, एक बेंच पर सिख होगा, एक पर मुसलमान दिखेगा, एक पर हिंदू दिखेगा, एक पर जैन दिखेगा, यही होगा भारत का भविष्य। अगर इस तस्वीर को आज रोका नहीं गया, ये भविष्य की तस्वीर है दर्शकों, इसको अगर रोका नहीं गया तो कल आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे वहां उसकी आइडेंटिटी ये नहीं होगी कि वो सौरभ शर्मा है या अर्णव सिंह है या मुस्कान श्रीवास्तव है या काशिफ है या वो कौन है, उसकी पहचान उसके कपड़ों से होगी, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनको कपड़ों से पहचान। तो ऐसा ही क्लास मास्टर जब आएगा तो वो अटेंडेंस जब लेगा रजिस्टर में तो वो ऐसे पहचानेगा कि ये तो सिख है, कपड़ों से नजर आ रहा है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है, ये तो सेंटा है, यही सब चलेगा, ये आपकी क्लासरूम होगी। और ऐसे में आज सवाल सीधे और स्पष्ट है, क्लियर है बिल्कुल, जो हम पूछ रहे हैं कि एंटी शिक्षा एलिमेंट्स को बाहर रेस्टिकेट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं इनको रेस्टिकेट किया जाना चाहिए, ये शेर नहीं, और शेर बताने वाले कौन है, ये कौन लोग हैं जो एक कैओस क्रिएट कर रही एक लड़की को शेर नहीं बता रहे, एक को शेर बता रहे हैं। कॉलेजों में धर्म का जहर कौन घोल रहा है, कौन है ये लोग, अचानक से कुछ लड़कियों का हिजाब प्रेम सामने क्यों आ रहा है, और ये भगवा वाले छात्र हैं या किसी फ्रिंज ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सदस्य हैं किसी फ्रिंज ग्रुप के, ये सारा ड्रामा कॉलेजों में चल क्यों रहा है, सिंपल एंड प्लेन एंड स्ट्रेट क्वेश्चंस। दर्शकों, इस ड्रामे को डील करना, इन सभी ड्रामेबाजों को एक्सपोज करना, इनके ब्लफ को बाहर लाना होगा, इसको डील करना होगा और क्रश करना होगा, इसको क्रश करना होगा। ये जो मेरे दोनों ओर आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, ये और ये, इनको देखिए और सोचिए फॉर अ मोमेंट कि शिक्षा के संस्थान में हम सभी शिक्षा लेने ही तो जाते हैं, और यूनिफॉर्म तो इसलिए है कि कोई अमीर और कोई गरीब ना समझे खुद को, ये तो लॉ भी है, और यहां ये लोग धर्म के नाम पर अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं, क्या करेंगे ये युवा, ये सवाल बाद में होगा, लेकिन अभी इनको विद इमीडिएट इफेक्ट रेस्टिकेट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के संस्थान में पढ़ाई करने जो लोग आते हैं और वहां अगर यूनिफॉर्म है
तो उसका पालन करना होगा, वरना कल कोई क्षत्रिय तलवार लेकर आएगा, कोई पारसी टोपी लगाकर आएगा, कोई ज्यादा अगर ज्यादा सेंसिटिव हिंदू हुआ वो सनातनी भगवा वस्त्रों में आ जाएगा। फिर एक ड्रेस कोड होता है यार, एक ड्रेस कोड होता है, दफ्तरों में होता है, ऑफिसर्स में होता है जो सरकारी है, ऐसे ही शिक्षा के संस्थानों में भी ड्रेस कोड होता है। कल को अगर मैं होऊंगा या फिर मेरे सहकर्मी कोई भी दफ्तर में अगर लुंगी पहनकर आ जाएंगे, दफ्तर में अगर लाल गमछा भगवा गमछा पहनकर आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे एक लॉ है, और कर्नाटका में तो अभी से नहीं है, बहुत पहले से ये लॉ है कि आप नहीं पहनकर आ सकते। बात बाकी इन बच्चों को कौन भड़का रहा है जो सही से खुद शर्ट नहीं पहन पाते, टाई नहीं पहन पाते, घर पर जाएंगे तो निक्कर नहीं पहन पाते, इनको भड़का कौन रहा है? एक दिखी नहीं मेरे को, एक प्लेबैक शायर है, शाइमा नाम है उनका, ऐसा मुझको बताया कि वो आरजे है, लेकिन ये आरजे की शक्ल में दर्शकों एक प्रोपेगेंडा चला रही है। इनके लिए ब्लैक पर्सनल है, सैफरन कम्युनल है और ब्लू सेक्युलर है। ये सबसे ऊंचे पायदान के हिपोक्रिट्स हैं। इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको नेम करना है, इनको शेम करना है। इनको अब इग्नोर नहीं करेंगे, इनको नाम करेंगे। ये जो है, ये जो भी मोहतरमा है साइमा जी, बताइए इनको, ब्लैक इनका पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। सैफरन बिल्कुल टोटल 100% सेक्युलर नहीं है बल्कि कम्युनल है, और ब्लू सेक्युलर, मतलब जब भगवा दिखा इनको तब शी वॉज लाइक ओ माई गॉड व्हाट दिस हुल्ला बुल्लू, और ब्लू में कह रही है जय भीम। ये भड़का रही है छोटे बच्चों को, भोले भाले मासूम छात्रों को, अपने जस्ट फॉर सम पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जस्ट टू गेट फ्यू मोर वोट्स इन अपकमिंग इलेक्शंस, ये लोग भड़का रहे हैं। और भड़का और पॉलिटिकल एक साथ ना आए तब तक कैसे चलेगा? और कर्नाटका का मसला था तो सबसे पहले आंधी बनकर कूदे हैं हमारे और आपके, आपके और मेरे, और अब तो होम मिनिस्टर साहब के भी हैं, हम सभी के माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब। जैसे ही मुस्लिम विमेन सुना, आ गए एकदम से शेर बनकर, और शेरनी की तारीफ कर रहे। इनकी जरा सुनिएगा इनको क्या कुछ कह रहे। डायरेक्टर साहब इनको चलाइए जरा। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफा पुरखा पहनी बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल चमकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांग आपको ताकत नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उस
कानून तुम्हारे सामने आता है तो आने दो। तो मैं वही तो कह रहा था कि भाई बकायदा जब लॉ है, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है 1983 की धारा 133, दो बकायदा कह रही है कि आप लुंगी पहनकर नहीं आ सकते, आप कोई भी वैरायटी ऑफ गमछा पहनकर नहीं आ सकते जस्ट बिकॉज इट सूट्स योर रिलीजन। आप यहां पर रिलीजन आइडेंटिटी को दिखाने थोड़ी ना आए हैं। और विजुअल सुबह से मेरे सामने आ रहे थे, कल से भी आया था, परसों भी आया था, कर्नाटका लैंग्वेज में था। तो हमने अपने एक साथी को फोन किया, साउथ इंडियन है, उनसे मैंने पूछा भाई क्या है ये। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां जो हैं, छह लड़कियों से शुरू हुआ था, छह लड़कियों, उडुपी कॉलेज है कर्नाटका में, वहां से शुरू हुआ था। छह लड़कियां कह रही हैं कि उनको बुर्का पहनकर अंदर जाना है, बुर्का पहनकर इनको रोक लिया गया दरवाजे पर, उनसे कहा गया कि आप अलाउड नहीं है। तो बस स्टार्ट, ड्रामा शुरू हो गया। उडुपी, चिकमंगलुरु, मंगलुरु, शिवामोंगा, कुंडारपुर, सॉरी अगर प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो, लेकिन हां ये जो जगहें हैं यहां पर अब एक वायरस की तरह फैलता जा रहा है। ऑल विमेन, अब छह थे, अब 600 हो गई, सबको बुर्का पहनना है। हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब बुर्का पहनना चाहते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई चली, पूरा दिन सुनवाई चली। मैं एक एक थ्रेड को फॉलो कर रहा था, दोपहर से ही चालू हो गया एक एक थ्रेड को, वो वेबसाइट्स हैं लाइव लॉ, इसको फॉलो कर रहा था, एक एक दलील सुन रहा था। जस्टिस पंडित जी हैं उनको भी सुन रहा था, और वकील साहब, कामत साहब, सबको सुन रहा था। बहुत स्ट्रेंज कि जस्टिस साहब कहते हैं कि वो भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन वो जब इस गद्दी पर आते हैं तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को मानते हैं। और हमको खुशी हुई है सुनकर। और कुछ ही देर के बाद जस्टिस साहब ने कुरान की कॉपी मंगवाई और वकीलों से कहा कि उसको वेरीफाई करिए, ये बिल्कुल वही है, वही कॉपी है ना जो कुरान है। उन्होंने कहा हां साहब, ये वही कॉपी है। और फिर वकील साहब कहते हैं कि हदीस की एक लाइन को बताते हुए कहते हैं कि हदीस में एक मुस्लिम महिला का ये अलाउड नहीं है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है दर्शकों, ये कोर्ट में चल रहा है सारा सब कुछ। वकील कह रहे हैं कि हदीस में लिखा है कि एक मुस्लिम विमेन अपने हाथों को, अपने फेस को एक स्ट्रेंजर को नहीं दिखा सकती, और ये कोर्ट में दलील दी जाती। कोर्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। मतलब कहां से भाई, स्कूल का एक सिंगल टॉप सिटिंग एजेंडा है एजुकेशन। आप जा रहे हैं टू एजुकेट योरसेल्फ, आप जाइए एजुकेशन लेने। अब इसमें धर्म कहां से आ गया? अब इसमें कावेंद्र चौहान हो, काशिफ हो, कोई हो, अगर कल को काशिफ कहेंगे कि मैं सफेद टोपी पहनकर ही एजुकेशन ग्रहण करूंगा, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। अगर कल को कावेंद्र चौहान कहेंगे कि मैं सैफरन गमछा डालकर, एक तिलक लगाकर, लुंगी पहनकर मैं क्लासरूम में बैठूंगा, आकर फर्स्ट डेस्क पे बैठूंगा, नहीं भाई, नहीं चलेगा, कोई भी हो। और रिलीजन के नाम पर क्या है ये बुर्का, इसको एसोसिएट किया जा रहा है एक रिलीजन से। अरे मजाक है भाई, विदेशों में जब बुर्का उतार रही है लड़की, महिलाएं बुर्के को उतार रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बकायदा एक सांसद संसद के अंदर गई, 2017 की बात बता रहा हूं, 2017 एक सांसद बकायदा अंदर गई संसद के, उन्होंने संसद के अंदर बुर्का उतारा और उन्होंने रखा और कहा कि नहीं भाई, ये ऑपरेशन नहीं, अब नहीं बर्दाश्त है भाई, क्यों पहनेंगे। और इंडिया में ये सेक्युलर लॉबी, ये पत्रकार भड़काऊ जिनको पता नहीं क्यों कुछ लोग जर्नलिस्ट बोल रहे,
खुद तो टोटल वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न आउटफिट, दुबई, सिंगापुर, पूरा वेस्टर्न आउटफिट में, टॉप ग्लासेस फ्रॉम रेबन, और यहां भोले भाले बच्चों को भड़का रहे हैं कि बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा, ये रिलीजन पर अटैक है आपके। बताइए, ये बकवास चल रही है देश। कुछ सालों पहले हम बात कर रहे थे, एक इंसिडेंट याद आ गया, इसलिए आपको बता देता हूं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि रिलीजन है, ये रिलीजन नहीं है भाई, ये उनका रिलीजन है। अगर कोई भी मेरे देश की मुस्लिम महिलाओं से कह रहा है कि बुर्का पहनना है, ये रिलीजन है, बुर्का उतार दिया तो ये रिलीजन नहीं, आप रिलीजन से बाहर हो गए, अबे शट अप, ये कुछ नहीं है, ये उनका बनाया हुआ फेंका हुआ रिलीजन है। रिलीजन पीस है, हर रिलीजन पीस है, सब आपको पीस सिखा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई एजुकेट हो जाओ, सब कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, सब सिखा रहे हैं भाई कि कैसे जीवन जीना है, हाउ टू लिव योर लाइफ पीसफुली, हाउ टू एजुकेट योर सेल्फ, एवरी रिलीजन। और दर्शकों, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में बहुत सालों पहले एक था कि सती, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो महिला को सती होना है, और कहा गया कि हिंदू रिलीजन है, रिलीजियस एक्टिविटी है, और कहा गया कि चिता पर जाकर बैठ जाओ। राधा राम मोहन राव साहब से लेकर सबने इसको अपोज किया, और कोई भी अगर एक फ्रिंज ग्रुप को हटा दे तो कोई भी नहीं आया भाई, और उसको रोका गया, धर्म के नाम पर ये सब थोड़ी ना चलेगा, सबको बराबरी है, महिला हो पुरुष हो सबको बराबरी है, ये सब थोड़ी ना होगा भारत में। और इसको कौन कौन कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट के नाम बताए दैट इज ओके, बट कौन और हो सकते हैं, एसडीपीआई, मैं सबसे पहले इस चीज को ब्रेक कर रहा हूं, एसडीपीआई, पीएफआई, ये लोग हो सकते हैं, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसके पीछे एसडीपीआई और पीएफआई का नाम आ रहा है, पीएफआई और एसडीपीआई ये करवा रहे हैं। और साथ ही साथ एक फेक न्यूज अभी फैलाई जा रही है, फेक न्यूज, उसमें कुछ लड़कियां दिखा रही है कि देखिए भाई, इस किताब में लिखा है, ये कॉलेज में जिसमें हम जा रहे हैं उस कॉलेज की किताब है, उसमें लिखा है, स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखा है कि कुछ भी पहन के आ सकते हैं, हमको तो अलाउड है ये पहन के आना, किताब में लिखा है भाई। अरे दिस इज फेक यार, दिस इज फेक न्यूज, उस किताब में लिखा है कि यू आर अलाउड कि आप एक दुपट्टा पहनकर आ जाए, आप जिसको बोल रहे हैं हिजाब बोल रहे हैं, आप हिजाब पहन के आ सकते हैं, बाकी यूनिफॉर्म आपके इधर से गर्दन के वाद से जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म क्या है कि गरीबी और अमीरी का फर्क ना रखे भाई, कॉलेज है पढ़ने आ रहे हैं आप, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या पारसी क्या बौद्ध क्या सिख क्या ईसाई, स्कूल और कॉलेज प्रेमिसेस कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है पॉल्यूशन से है किसी और एक्टिविटी से, अगर आपको ढकना है मुंह तो आप ढक सकते हैं, बस उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म के साथ मैच करना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप पूरा ओ फ्रॉम योर टॉप हेयर टू टो आप पूरा बुर्का पहन के स्कूल कॉलेज में आ जाएंगे, आप नहीं अलाउड है भाई। और इसको ड्रामा मत कराइए, बाहर करिए इनको सब, इनको सबको एक एक, जो सेफरन गमछा पहना है, जो ब्लू गमछा पहना है, जो लड़कियां ये ब्लैक कलर का जो पूरा पहन कर आ रही है बुर्का, सबको फ्रॉम 1 to 10 सबको आउट करिए, बाहर करिए, फेंके इनको बाहर, सबको रेस्टिकेट करिए, चाहे एक को करना पड़े चाहे 1,000 को करना पड़े, रेस्टिकेट करिए। एजुकेशन के नाम पर ड्रामा कर रहे, ये स्कूल पढ़ना नहीं जाना चाहते, ये स्कूल में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते, ये स्कूल में कैओस क्रिएट करना चाहते, एनार्की लाना चाहते, ये पूरे कर्नाटका में इस तरीके का वायरस फैलाना चाहते, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते, और अभी तक तो पॉलिटिकल रैलीज में दिखता, स्कूल और कॉलेजेस में ना पहुंचे उससे पहले इसका एंटी टोड़ बनाना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, रेस्टिकेट ऑल ऑफ देम, दे मे बी 1 और दे मे बी 1,000, रेस्टिकेट ऑल ऑफ देम, एक एक को रेस्टिकेट करें, लाल गमछे वाला भगवा गमछा वाला को भी, ये नीला पीला गमछा वाला को भी, और ये ब्लैक बुर्का हिजाब इनको सबको रेस्टिकेट करें, और ये सब बंद करिए, ड्रामा बंद करिए। कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं लाइक दे डू हियर इन उत्तर प्रदेश और बिहार, युवा हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, फलाना हृदय सम्राट,
वहां भी ड्रामा कर रहे हैं। एक लड़की जो हिजाब पहनकर, उसको इतना ज्यादा उसको दिमाग में उसके जहर भरा गया, वो हिजाब पहनकर स्कूटी से आ रही है, उतर रही, और ये सैफरन भगवा डाले लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, टोटली अनएक्सेप्टेबल, अरेस्ट देम ऑल, रेस्टिकेट देम ऑल। और ये लड़की ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ये भी पीछे मुड़कर अल्लाह अकबर कर, अल्लाह अकबर, व्हाट इट मीन। कॉलेज कैंपस में आप पढ़ने आ रहे हैं, आप ये सब करने आ रहे हैं, दिस इज ऑल पॉलिटिकल ड्रामा, नथिंग एल्स। एक चीज होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में, जब ब्लैक और व्हाइट की बात आती है, जब सच और गलत की बात आती है, तब आप बीच का रास्ता, ग्रे लिस्ट नहीं अपना सकते, आपको टोटल प्योर होना पड़ेगा। और इस मामले में एक ही डिसीजन हो सकता है, जितने भी लोग ड्रामा कर रहे हैं सबको रेस्टिकेट करिए, सबको कॉलेज के बाहर एक नोटिस लगाइए और सबको रेस्टिकेट करिए, स्कूल से बाहर करिए, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको अलाउ करिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, बेहतर शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा कभी भी धर्म नहीं देखती। हमारे देश ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी देखा, हमारे देश ने बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी देखा, हमारे देश के विवेकानंदी थे जो विदेश में जब स्पीच दे रहे थे तो सब खड़े होकर उनको सलाम कर, गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे पूरी संसद उनको लेने आई, धर्म से क्या लेना भाई शिक्षा का। इसका एक श्योर और शॉर्ट सॉल्यूशन कि सबको रेस्टिकेट कर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।